गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। वाई फॉर यस एंड फॉर नो। आवाज क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी? आवाज क्लियर है? तो बच्चों एक बार अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। चलिए 101 मिनट का वेट कर लेते हैं बच्चों, जब तक बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सर्किट थ्योरी को पढ़ाया बच्चों, और सर्किट थ्योरी में हम लोगों ने तीन वेरिएशन देख लिया है कि अगर ब्रांच में सिंगल बैटरी मिल गई तो हमें बैटरी में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कोई भी टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर कहीं पर रेजिस्टेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस भी आ जाए, बैटरी भी आ जाए, तो उस केस में जहाँ पर भी हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को अज्यूम कर लेना, लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट ऑफ पोजीशन कुछ भी है, लेट्स से एक्स वाई एंड जेड व्हाटएवर यू वांट, फिर उस पॉइंट से आप लोगों को क्या करना है बच्चों, केसीएल बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ, नॉर्ड लॉ, जंक्शन लॉ, ये लगा के जंक्शन में आने वाला करंट मस्ती वस्तु जंक्शन से जाने वाला करंट और नेट करंट इक्वल टू जीरो के बराबर रख देंगे हम लोग, और रखने के बावजूद हमें क्या करना है बच्चों, हमें बस I की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ V by R, V is what potential difference and R is what resistance। चलिए बच्चों 2 मिनट का टाइम देना हूँ, तब तक सभी बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए कि ज्वाइन कीजिए क्लास को जितना जल्दी हो सकता है। जल्दी बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, तो शैल वी स्टार्ट? तो शैल वी स्टार्ट बच्चों? राइट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। आपके कमेंट्स में सामने पढ़ता रहूंगा, तो आप लोग जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते चलना। परफेक्ट, चलिए बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली हम रेजिस्टेंस को कॉम्बाइन कर सकते हैं टू फॉर्म, आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल, दैट्स इट। कैसे पता लगने वाला है कि कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें समझनी है। वो देखिए, अगर हम बात करें कि मेरे पास ऐसा एक रेजिस्टेंस मिल जाए कॉम्बिनेशन में बच्चों, तो कॉम्बिनेशन होता है मॉडल पर, ऐसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। अभी जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सर्किट थ्योरी में समझी है उनको सबको अप्लाई करना है हम लोगों को, तो सर्किट थ्योरी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो प्लीज मेक श्योर आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोग अटेंड करें। चलिए बच्चों, तो हमने बोला कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए सर हमें, या हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, हमें तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दैट्स इट, कि विच वन इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल। हालांकि ये टॉपिक आप लोग कर चुके हो एन स्टैंडर्ड में, बट एक बार फिर मैं करा देता हूँ, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हमने इसको भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सिंपली मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, इसका पोटेंशियल भी मान लिया, तो ये जीरो भी मान सकता हूँ, जो कि ये लाइव वायर है। नाउ दिस इज लाइव वायर बच्चों, दिस इज लाइव वायर। तो लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना था बच्चों, सेम। लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना था बच्चों, सेम। तो हमने बोला कि इफ दिस इज जीरो तो दिस इज एट जीरो, दिस इज वी, दिस इज आल्सो एट जीरो, दिस इज वी और दिस इज आल्सो एट वी। लेट्स सी, हियर रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया और इसका रेजिस्टेंस R3 मान लिया।
सेकेंडली क्या काम करता था बच्चों, बैटरी का यार, तो बैटरी तीन काम करती थी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती थी, एनर्जी प्रोवाइड करती थी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती थी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो भी चलेंगे बेसिकली पॉजिट्रॉन, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, तो कनेक्टर से कनेक्टर्स में जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट को मार लेना है। तो करंट चला इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर करंट आया, ये करंट आया। अब देखिए करंट को एक ही रास्ता मिला, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए करंट को एक ही रास्ता मिला, तो करंट इसमें भी जाएगा आए, इसमें भी जाएगा आए, सिंपली। यानी अगर कभी भी हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए जिसमें करंट सेम, करंट सेम मतलब बेसिकली देखो सभी सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या गया है बच्चों, सेम। तो अगर सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम गया है तो हम बोलते हैं कि ऐसे रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, करंट सेम तो सीरीज सेम। ऐसे ही हम लोग बच्चों वहां पर पढ़ने वाले कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में क्या सेम हो जाएगा, चार्ज यहां पे करंट, वहां पे चार्ज, अच्छे वहां पर जंक्शन पे आने वाला चार्ज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला चार्ज, यहां पर क्या होता था जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला करंट, बस बिल्कुल सही है। वहां पर चार्ज के बारे में बात करने वाले, यहां पे हम फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाले। जल्दी बताइए बच्चों क्या इतनी चीजें समझ गए आप लोगों को, परफेक्ट। अब सिंपली देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको केवीएल लगाना है बच्चों, पार्शियल केवीएल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक केवीएल लगाइए। तो देखिए करंट एंटर करा प्लस, बाहर निकला माइनस, करंट एंटर करा प्लस, बाहर निकला माइनस, करंट एंटर करा प्लस, बाहर निकला माइनस। चलिए बच्चों स्टार्ट करो, VA प्लस से माइनस, माइनस करंट I चल रहा है बच्चों, I into R1, प्लस से माइनस, माइनस I into R2, प्लस से माइनस, माइनस I into R3। कहाँ पर पहुंचे बच्चों हम, डिग्री पर, तो VA माइनस VB देखो बच्चों, VA माइनस VB किसके बराबर आ गए बच्चों, ध्यान से देखना, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। जल्दी बताइए क्या ये इक्वेशन नंबर 1 आपको लिखनी है, जल्दी बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 आपको लिखनी है, जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं बेसिकली हम वही सब चीजें पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने सर्किट थ्योरी में पढ़ी थी, बस अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लेंगे हम लोग। सभी बच्चे को रिप्लाई भी बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए जब ये सब चीजें हमें समझ में आ गई बच्चों, अब सिंपल सी देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें ना इसे इक्विवेलेंट बनाना होता है। इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, मान लो कि लेट्स से मैं आपको बात बताऊं कि हमारे ना कोई एक बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है जो गाना भी गाता है, ठीक है, गिटार भी बजा लेता है, आर्टिस्ट भी है और पढ़ने में भी अच्छा है, तो उसमें चार पांच क्वालिटी है। और इधर हमारे पास एक एक बच्चा है जिसके पास एक एक क्वालिटी है, यानी एक बच्चा गाना गा सकता है, एक बच्चा गिटार गा सकता है, बजा सकता है, एक बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, एक बच्चा आर्टिस्ट है। तो हमने बोला इन चारों का इक्विवेलेंट ये बच्चा है, यानी जो ये चारों के चारों काम कर सकते हैं ना, ये अकेला उस काम को परफॉर्म कर सकता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है बिल्कुल डिटो से। यानी अगर हमसे कोई पूछा जाए कि देखिए ये मार्केट में तीन रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है, R1 R2 R3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम इतने भी वैल्यू हो। हमसे बोला गया कि हम इन सभी रेजिस्टेंस को ना लेके ना अलग अलग, क्या मैं एक ही रेजिस्टेंस से काम करा सकता हूँ बच्चों, हाँ उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट इज वन। तो हमने क्या करना है, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई का मतलब समझो बच्चों कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना है, ये जो रेजिस्टेंस लगाएंगे इसको बोलते हैं हम आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल इनके जैसा वही बैटरी लगाओ बच्चों, वही बैटरी लगाएंगे, ये बैटरी लगा दो बच्चों। अब देखिए बैटरी वही है, इन सब का समेशन आर इक्विवेलेंट के बराबर आने वाला है, वो कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बार बताओ इसमें अगर करंट चला बच्चों, तो ये पॉइंट बी ये मान लो, ये पॉइंट बी बी मान लो, फिर दोबारा लगाओ ए से बी तक चल रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर आई, तो बी ए, जल्दी देखो बच्चों बी ए माइनस, ए प्लस बना, ये माइनस बना, आई इंटू आर इक्विवेलेंट आपको समझ में आई। जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बाय राइटिंग वाई फॉर यस एंड फॉर नो।
यस सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, जब हमें ये सब चीजें समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए, अब जो इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है बच्चों, बी ए माइनस बी बी बेसिकली ये भी बी वोल्ट आएगा, ठीक है ना, और बी ए माइनस बी बी ये भी बी वोल्ट है ना। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, और ये है कंपेयर, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करो। देखिए यहां से आई कॉमन लेना बच्चों, तो I this is equals to R1 plus R2 plus R3, मैंने I कॉमन लेके और इसको जब यहाँ पे रखा तो I into R equal to this, देखिए I and R कैंसिल आउट। तो अगर कभी भी करंट सेम है किसी भी एक ब्रांच में, तो उस ब्रांच के सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और उन सब को मैं रेक्टिफाई करके एनालाइज करके एक छोटा सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं by adding three of them, यानी R1 plus R2 plus R3, यानी अगर यहाँ पे 1 ohm है, यहाँ पे 2 ohm है, यहाँ पे 3 ohm है, तो मैं मार्केट में तीन अलग अलग रेजिस्टेंस ना लेके 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm ना लेके मैं क्या करूँगा, 6 ohm के एक ही रेजिस्टेंस लिया हुआ, जो ये तीनों काम करेंगे ना, जैसे ये तीनों काम करेंगे वैसा ही इक्विवेलेंट ये काम करने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई? अब यहाँ से एक चीज और समझो बच्चों, यहाँ से क्या चीज समझ में आने वाली है। देखिए आर इक्विवेलेंट हम लोगों को पता लगे कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? देखो इन सीरीज रेजिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीजेस, ये याद रखना बच्चों, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, हमेशा इंक्रीज। आप सोचो अगर मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आ गए सेम, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर ओम आर ओम आर ओम, तो कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, जल्दी बोलो सर, आपने बोला 3R। सोचो ऐसे करते करते एन आ जाए, एन रेजिस्टेंसेस आ जाए, ऐसे करते करते एन रेजिस्टेंसेस आ जाए, तो सर रेजिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू आर। तो पहली बात तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, दूसरी बात अगर सेम रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे आ जाए तो उनको सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, n टू r, वेयर n इज कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने यूज किया और r एक रेजिस्टेंस क्या वैल्यू है। जल्दी बताइए क्या बच्चों ये चीजें समझ में आई? जल्दी बाय लाइन बाय फॉर यस एंड फॉर नो, सभी बच्चा को रिप्लाई नहीं, बाय लाइन बाय फॉर यस एंड फॉर नो, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या? बेटा देखिए जितने बच्चे बैठे हैं ना सभी के सभी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस इनके बेसिस पे जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, ध्यान रखना प्लीज। तो जो बच्चों के रिप्लाई आएगा उसी के अकॉर्डिंग में आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होने वाली है, ध्यान रखना प्लीज, टेंशन। हाँ चलिए, अब देखिए अब इस पे आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, दोबारा वही तरीका है बच्चों, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू एंड दिस इज आर थ्री, फिर हमने वही पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया इसको, फिर हम बात करेंगे बच्चों ये जीरो है, ये भी है, लाइन वायर का कांसेप्ट लगाओ बच्चों, एक दिस इज एट 0 वोल्ट, दिस इज आल्सो एट 0, दिस इज आल्सो एट 0, सब 0 वोल्ट पर है, दिस इज एट 3, दिस इज आल्सो 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 एट 3, ध्यान से देखो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या चीज सेम आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, v - 0 v, v - 0 v, v - 0 v, यानी अगर सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आ जाए, पोटेंशियल सेम आ जाए, तो बच्चों उनको क्या बोलते हैं हम लोग, दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी बताइए बच्चों क्या इतना समझ में आया? तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी विल रिमेन सेम, वी विल रिमेन same, v same रहता है बच्चों parallel में, ध्यान रखना बच्चों v same रहता है, पहली बात। अब क्या करना है सर, दोबारा वही काम करेंगे बच्चों, यहाँ से करंट आया है i, अब करंट i आया है बैटरी से, मान लो बैटरी में से इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करा है दैट इज i, अब दिस इज द जंक्शन, अगर मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो देखिए दिस इज द जंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन, अब जंक्शन पे आया कितना i, आया कितना i,
यहाँ पे जंक्शन को देखो कितने रास्ते मिले, तीन रास्ते मिले बच्चों, इसमें आई वन मान लिया, इसमें आई टू मान लिया और इसमें आई थ्री मान लिया। तो जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला। तो जंक्शन पे आया कितना है बच्चों आई, तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं ए रख दूं तो अप्लाई केसीएल एट ए, अप्लाई केसीएल एट ए, अप्लाई केसीएल एट ए, ए पर केसीएल लगाओ बच्चों। तो दिस इज आई, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। जल्दी बताइए बच्चों क्या इक्वेशन समझ में आई आपको, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या इक्वेशन समझ में आई? ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो अब हमारा फिर वही लॉजिक है सर, जैसे यहाँ पे तीनों को हटा के हमने एक से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर भी हम तीनों को हटा के एक से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए उनको क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट देखिए बच्चों सत्य कैसे बनाऊंगा, इसका आर इक्विवेलेंट हमें नहीं पता, इसका आर इक्विवेलेंट हमें नहीं पता कितना होने वाला है, बट ये पक्का कंफर्म है कि बैटरी सेम रहने वाली है, इसको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो ये भी। ठीक है बच्चों, यहाँ से आई की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई दिस इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी बाय आर इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी जल्दी देखो बच्चों, यहाँ पर मुझे वी पता है, आर वन पता है, तो आई वन तो मुझे अभी तक ए को कैलकुलेट करते आ रहे थे बच्चों, रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के क्रॉस आपको वी पता लग जाए, आर पता है तो आई वन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आई वन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आई वन की वैल्यू है वी बाय आर वन, आई टू की वैल्यू बोलो जल्दी, आई टू की वैल्यू कितनी है बच्चों वी बाय आर टू, और आई थ्री की वैल्यू कितनी है बच्चों वी बाय आर थ्री। देखिए ये आई वन, ये आई टू, ये आई थ्री, यानी हर एक ब्रांच में हमें करंट पता लग गया। अगर हर एक ब्रांच में हमें करंट पता लग गया तो आप क्या करें बच्चों, करना कुछ भी नहीं है सर, इस इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को ना कंपेयर करो। नाउ कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, नाउ कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जल्दी 1 2 3 गो, परफेक्ट। चलिए देखिए नाउ कंपेयर, कंपेयर करो बच्चों, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू वी बाई आर इक्विवेलेंट है, तो आई दिस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों फ्रॉम थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, देखिए आई की वैल्यू क्या रखेंगे वी बाई आर इक्विवेलेंट, आई वन की वैल्यू वहां से रखो बच्चों वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, सम में से भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो बच्चों, तो ये 1 बाय r इक्विवेलेंट 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 एंड सो ऑन। देखिए बच्चों आपके लिए ना मैक्सिमम जो 90-95% केसेस आने वाले हैं उसमें बेसिकली दो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन ज्यादा फेस करने वाले हो, दो रेजिस्टेंसेस के, अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके पास पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी याद रखना आपको, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, टेक एलसीएम, तो नीचे क्या बन गया आर वन इंटू आर टू, ऊपर क्या बन गया बच्चों आर टू प्लस आर वन, ये वन बाई आर की वैल्यू है, हमें तो आर इक्विवेलेंट चाहिए ना बच्चों, तो रिवर्स कर दो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, जो आप लोगों को डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है। अब इसकी थोड़ी सी अच्छी बात है, मान लो कि ये हमारे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, और इसके क्रॉस हमने वी लगा दिया, इसके क्रॉस हमने वी लगा दिया, ये 2 ओम ये 3 ओम, तो इसका हमसे पूछा गया आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो 2 × 3 2 × 3 / 5 यानी 6/5 यानी 1.2। देखो 1.2 ओम, अब यहाँ से पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट ये है बच्चों जब भी आपके पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आते हैं, पैरेलल में आते हैं, तो देखो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, एक 2 है और एक 3 है, तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस 2 है, तो जो इनका नेट रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इस 2 से भी छोटा आने वाला है, तो
कभी कभार अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं तो कई बार आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो यू हैव टू चेक कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सबसे छोटा है, वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आने वाला है, वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे पास तीन रेजिस्टेंस हैं इन पैरेलल, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब हमसे पूछा गया फाइंड आउट दी आर इक्विवेलेंट, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया आर इक्विवेलेंट एक एक से भी छोटा आएगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन में एक से छोटा है, एक ही ऑप्शन है, तो टिक उसी को करना, दैट विल बी योर आंसर। तो इन पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है, इन पैरेलल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इन पैरेलल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलर देन बी स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन बी स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जो पूरे सर्किट में सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आने वाला है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज़ें समझ में आई, क्या ये चीज़ें समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, राइट। वाई फॉर ये सेनेट फॉर नो, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट बात कर रहा हूँ बच्चे, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा, सबसे छोटा आंसर नहीं होगा, सबसे छोटा आंसर नहीं होने वाला। सबसे छोटा क्या है, एक, तो एक से छोटा क्या होगा, पॉइंट समथिंग, 0.7, 0.8, 0.9, इतने भी एनी आंसर, तो आप कैलकुलेट कर लेना वीडियो के आंसर। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये चीज़ समझ में आई? तो हमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। एक बार जल्दी रिकैप करते हैं, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट आर के साथ होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मैक्सिमम ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। मान लो तीनों सीरीज में लगा दी, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो जो आंसर आएगा वो 3 ओम से भी ज़्यादा आने वाला है सीरीज में। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम पैरेलल में लगा दी तो वन से भी छोटा होने वाला है, तो पैरेलल में स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट और सीरीज में लार्जर देन दी ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट। एक चीज़ है, कई बार आपको अपना बेसिक एनालिसिस, बेसिक आईक्यू यूज करना पड़ेगा बच्चों। बेसिक आईक्यू कैसे, कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि मेरे पास कुछ सेट्स ऑफ रेजिस्टेंसेज है, मुझे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि हमें उसको सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाना है, रेजिस्टेंस को कम करना है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाना है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए बस। अच्छा, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज पैरेलल में आते जिनका सेम वैल्यू है, तो इफ मान लो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आर ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए, तो बच्चों यहाँ पे रखो होगा तो आर इन टू आर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू आर, तो आर स्क्वायर बाई टू आर, आर बाई टू। अभी सुनो, ये दो रेजिस्टेंसेस थे, ऐसे 3 आ जाएंगे तो आर बाई 3 हो जाएगा, 4 आ जाएंगे तो आर बाई 4 आ जाएगा, यानी एन रेजिस्टेंसेज आ जाए तो उनका इक्विवेलेंट आर बाई एन होता है, आर बाई एन। जैसे वहाँ पे कितना होता था एन इन टू आर, वहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आर बाई एन। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये चीज़ें समझ में आई आपको, जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये सब चीज़ें समझ में आई बेटा। अगर ये सब चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 1, 2, 3 गो। चलिए आ जाओ बच्चों, परफेक्ट परफेक्ट, चलिए। हाँ, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस में भी टाइप्स होती है। टाइप 1 मैं आपको लिखना सिखाता हूँ कि टाइप 1 अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, लाइव वायर और लिखने का तरीका सिखाता हूँ बच्चों आपको, लिखने का तरीका मैं सिखाता हूँ, बाकी आपकी खुद की कॉमन सेंस चलने वाली कि कैसे आप लोगों को सर्किट को रीड आउट करना, उसको सोल्व करना। चलिए तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट देते हैं हमारे पास ये वाला। चलिए अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर रेजिस्टेंसेस, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छा क्वेश्चन। सभी रेजिस्टेंसेस आर ओम मान लेते हैं बच्चों, सभी रेजिस्टेंसेस आर ओम। अब इसमें मैंने आर माना, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स में वैल्यू चेंज हो सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इतने भी एनी ओम, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों।
कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। हमसे बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो जिन जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, उनको अलग अलग रखना, मतलब एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर, ध्यान रखना एक्सट्रीम्स में रख दो, बिल्कुल एक को लेफ्ट में एक को राइट में रख दिया। अब देखो फिर ढूंढो लाइव वायर है क्या सर्किट में, कहीं पर लाइव वायर आपको दिखाई देगी। हाँ सर देखिए ये लाइव वायर है, लाइव वायर का मतलब समझ में आ गया कि उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो सर हाँ दिस इज द लाइव वायर सर, अगर ये लाइव वायर आ गई बच्चों तो लाइव वायर क्या मान कि लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या बना बच्चों बी, ये वाला पॉइंट भी क्या बना बच्चों बी, ये वाला पॉइंट भी क्या बना बच्चों बी। चलिए बताइए बच्चों क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, लाइव वायर ढूंढना हमारा मेन मोटिव है और आपको 90-95% केसेस में लाइव वायर जरूर मिलने वाली है, तो आपको उस चीज की कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये चीजें समझ में आई आपको, परफेक्ट। अब क्या करना देखो सिंपली, इसको भी मैं आर टू मान लेता हूँ, इसके लिए मैं आर टू मान लेता हूँ, इसको मैं आर थ्री मान लेता हूँ, इसको मैं आर फोर मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए आर वन कहाँ पर कनेक्टेड है, आर वन कहाँ पर कनेक्टेड है, आर वन इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, आर वन इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आर वन को लगा दो, ए और बी के बीच में आर वन को लगा दो, ठीक है। अब देखिए आर टू कहाँ कनेक्टेड है, आर टू भी सर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, आर टू भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आर टू को लगा दो। दोबारा देखिए आर थ्री आर थ्री आर थ्री आर थ्री भी सर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आर थ्री को भी लगा दो। सिंपली बहुत इजी तरीका बच्चों, सिमिलरली आर फोर भी ये लगा हुआ है। जल्दी बताइए ये कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है। डू रिप्लाई मी बाय राइटिंग एस फोर सिटीजन की फोर पैरेलल, एस फोर सिटीजन की फोर पैरेलल, जल्दी बताइए बच्चों एस फोर सीरीज पी फोर पैनल। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का रिप्लाई आया पी फोर पैनल। तो अभी देखिए पी फोर पैनल है और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आर की बच्चों, तो जल्दी बताइए नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। छोटे वाले तरीके से देखो सभी के सभी पैनल में है, सबकी वैल्यू आर है, तो जल्दी बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस बताइए 4R हो गए R में 4। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड भाई, क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। चलिए तो सब बच्चों के आंसर आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो बेटे थोड़ा ना पार्टिसिपेट करना, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड R में 4, क्योंकि सर सभी के सभी पैरेलल में है, सभी की वैल्यू सेम है, तो जो इनका नेट इक्विवेलेंट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों, आर बाय फोर, आर बाय फोर। चलिए अब इसमें एक और वैरायटी दिखाते हैं, देखने में सेम क्वेश्चंस लगेंगे बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं बच्चों लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, देखना ध्यान से। वही मेरे पास अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है बच्चों, सभी वैल्यू आर वन आर टू आर थ्री आर फोर सभी आर हो में बच्चों, मैं लिख देता हूँ R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R1, सभी की सभी वैल्यू R1 है, सभी की सभी वैल्यू R1 है। तो फिर बोला गया हमसे फाइंड आउट R equivalent between A and B, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला गया, उन दो पॉइंट्स को एक को एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक को एक्सट्रीम राइट में रखो, दैट्स इट सिंपल। तो यहाँ पे रखो A पॉइंट को, यहाँ पे रखो B पॉइंट, रख दिया हमने। अब क्या करना है नाउ व्हाट टू डू, फिर ढूंढो लाइव वायर, तो लाइव वायर ढूंढो सर, ये भी लाइव वायर ये दिखाई दे रही है सर, अगर ये लाइव वायर होगी तो लाइव वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मान लो इसका पोटेंशियल बी है तो बी 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 बी, तो ये बी आ गया। अभी देखो क्या आप हर पॉइंट पे पहुंच पाएंगे क्या, नहीं सर इस केस में यहाँ पर फंस गए, अभी यहाँ पे फंस गए तो इसको सी मान लो,
सी मान लो, एक्स मान लो, जो आपके मान में मान लो, हमें उससे कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सी मान लें, अब आपको देखो ये सी को कहाँ पे रखना है, तो ए और बी के बीच में सी आएगा बच्चों, ए और बी के बीच में सी आएगा, क्योंकि ए और बी तो वो दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आपने कैलकुलेट करना है, तो एक एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक एक्सट्रीम राइट पे हो जाएगा। तो सी कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में। सी मान लें सी मानो, एक्स मान लें एक्स मानो, डी मान लें डी मानो, वट एवर जो मान लें वो मान सकते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए नाउ ये वाला रेजिस्टेंस देखो, आर थ्री रेजिस्टेंस, आर थ्री रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है, आर थ्री इज ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में लगा दो आर थ्री। फिर देखो बी और सी के बीच में कौन है, आर वन, तो ये रही हो गई दस आर वन, बी और सी के बीच में आर टू, बी और सी के बीच में आर टू भी है बच्चों, तो आर टू लगाओ, बी और सी के बीच में आर फोर भी है बच्चों, तो ये आर फोर लगाओ। देखिए इस सर्किट को ऐसे हम लोगों ने रिजोल्व कर लिया, अब ये देखते हैं हमें समझ में आ गया बच्चों, ध्यान से देखना, इसका पोटेंशियल सी है, इसका पोटेंशियल बी है, तो इसका भी सी, इसका भी बी, इसका भी सी, इसका भी बी, तो ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसके संग इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये चीजें समझ में आ गई बच्चों, क्या ये चीजें समझ में आई बच्चों कि पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें चारों के चारों पैरेलल थे बच्चों, इसमें तीन पैरेलल में है और एक सीरीज में, अगर इनका इक्विवेलेंस निकालूं तो बच्चों इसको अभी आर ही रहने दो, इन तीनों को सोल्व करके क्या आएगा बच्चों, इन तीनों को सोल्व करके आर बाय थ्री आएगा। अब देखो आर और आर बाय थ्री ये सीरीज में है बच्चों, तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो आर प्लस आर बाय थ्री, आर प्लस आर बाय थ्री ये कितना आ गया बच्चों, फोर आर बाय थ्री, कितना आ गया बच्चों, फोर आर बाय थ्री। जल्दी बताओ बच्चों क्या ये चीजें समझ में आई, क्या ये चीजें समझ में आई बच्चों, बाय राइटिंग वाई फोर ये सेम फोर में डू रिप्लाई मी बाय राइटिंग वाई फोर ये सेम फोर में, वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई मुश्किल नहीं है और ये टिपिकल क्वेश्चंस में काम होते हैं बच्चों, टिपिकल क्वेश्चंस में काम होते हैं। चलिए आइए आप बहुत इजी इजी से क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे ज्यादा अच्छी बात लाइव वायर हो गया बच्चों, एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब देखो कि आपको अगर ऐसे रेजिस्टेंसेस मिल गए, ध्यान से सुनना बच्चों, ये R1, ये R2, ये R3, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, हमसे बोला गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अभी उन्होंने देखो कैसी डिजाइन करनी है, ठीक है, अब बोला गया अब निकालो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अब फिर हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए बच्चों कि सर ये तो लाइव वायर आ गई, तो लाइव वायर आ गई, मैं फिर कह रहा हूँ लाइव वायर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आने वाली, सर ये भी लाइव वायर आ गई, अब ये भी लाइव वायर आ गई, तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है बच्चों, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल ए, इसका भी पोटेंशियल, है ना शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो इस रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये भी देखिए इस रेजिस्टेंस के भी दोनों एंड एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड है, घुमा के एक तार ही उसी वाले प्लग में घुसा दी जिसमें पहले वाले तार में दूसरी उसी में घुसा दी, तो शॉर्ट सर्किट हो जाते पूरे घर की लाइट बढ़ सकती है, पूरे घर की लाइट चली जाती है। दो वायर्स को एक ही पॉइंट में घुसा दो, एक छोटा सा स्पार्क कर दिया, लाइट खत्म, घर की लाइट खत्म। बेसिकली आज तक तो फ्यूज वगैरह होते हैं, एमसीबी होते हैं, तो वो एमसीबी पर्टिकुलर एरिया की होती है, वो डाउन हो जाएगी आपकी, बाकी रेस्ट ऑफ द घर में लाइट आती रहेगी। बट जिसमें भी आप ये कारनामा करोगे ना, दोनों वायर्स को एक ही पॉइंट में घुसा दिया, तो एक छोटा सा स्पार्क आएगा, बट तो उस पर्टिकुलर एरिया की लाइट खत्म हो जाएगी, एमसीबी डाउन हो जाएगी। चलिए उसके बारे में बताएंगे, तो ये भी खत्म,
तो ये आ गए हमारे पास, तो बचा कौन, एक ही रेजिस्टेंस बचा। तो बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, आठ। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आठ। ध्यान से सुनना बच्चों, करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर उसको कम से कम पोजिशन मिले। एक एग्जाम्पल के बेस पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे हम आपकी क्लास में आए, ठीक है, बिना जो टीचर मुझे नहीं पता था कि कौन बच्चा कैसा है। तो जैसे डेली लाइफ में टीचर क्या करते हैं, बच्चे नॉर्मली किसी भी बच्चे से पूछते हैं, नहीं आता तो उसको डांट देते हैं या एक दो थप्पड़ चट्टू लगा देते हैं उसको। तो लिटरली क्या होता है, बच्चों ने क्या, मान लो मैंने कृष्ण को मारा। अब मान लो कृष्ण है अपनी क्लास का डोर, कृष्ण अपनी क्लास का डोर है, तो कृष्ण बाहर निकला छुट्टी के बाद, अपने भाई को फोन किया कि भैया एक सर को आज मतलब समझाना है हिंदी में। अब देखना ध्यान से, ये हमारा स्कूल, ये मेरा घर, और कृष्ण को पता है कि सर हमेशा इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं। कृष्ण को पता है सर इस वाले पाथ को फॉलो करते हैं। मेरे घर के दो रास्ते हैं स्कूल से, ए पाथ और बी पाथ। नॉर्मली तो कृष्ण ने बता दिया कि सर एक पाथ से आते भैया, गाड़ी वाले सर है, गाड़ी है सर के पास। तो मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, तो नॉर्मल रूटीन चलता है कि बच्चे डांटते हैं, बच्चे डांट खाते हैं, तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला। तो मैंने देखा जैसे ही मैं यहाँ से गाड़ी से चला, यहाँ पर बच्चों पाँच छः लोग खड़े हुए हैं, है ना, ये पाँच छः लोग खड़े हुए हाथ में डंडा बेसबॉल ये सब चीज़ें लेते हुए। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। मैं जैसे जैसे चला मुझे लगा कि बंदे मेरी तरफ आते हैं, तो ऑब्वियसली भैया मैं कोई सनी देवल या अक्षय कुमार को नहीं रुकूंगा, फटफट फटफट मारूंगा और फिर बैग चलूंगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत समझदारी वाला डिसीजन लिया, गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया और इस वाले रास्ते से फॉलो किया। जैसे ही इस वाले रास्ते पर फॉलो किया, यहाँ पे मुझे कौन दिखाई देगा, कृष्ण। दिमाग की घंटी बजी, ओहो, यानी ये वाला कारनामा इस वाले बच्चे ने किया। फिर क्या करा मैंने, गाड़ी रोकी, इसको पटपट मारे, फिर अपने घर पे आया। तो क्या जो समझदारी वाला काम मैंने दिखाया है, क्या वही समझदारी वाला काम करंट भी दिखाता? बिल्कुल। यहाँ पर ओपोजिशन देखो, यहाँ पर ओपोजिशन देखो, यहाँ पर ज्यादा ओपोजिशन था। कायदा ये कहता है कि मुझे इस वाले पाप को फॉलो करने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सिंपल यूटर माना और इस वाले पाप को फॉलो किया। अब इधर देखिए, करंट जाएगा तो जाएगा कैसे, सर करंट इस लाइव वायर में जाएगा, क्या लाइव वायर में करंट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर, लाइव वायर में करंट अभी तो नहीं, तो बढ़ जाएगा। लाइव वायर में रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट जीरो होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो करंट जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज समझ में आ गई? हेलो हेलो, चलिए बच्चे जल्दी बताइए, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? परफेक्ट। चलो, तो जब ये सब चीजें समझ में आ गई, तो हम लोगों को ये एनालाइज करना आना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हमेशा, बेसिकली करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जो, हाँ, जो हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते को फॉलो करने वाला है करंट। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये चीज समझ में आई? पक्का, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आप एक न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों, इसके बीच में एक न्यूमेरिकल और करते हैं, तो अभी आपको जान सकते हैं इसका। जल्दी देखना इसका आंसर आप लोग सुनिए। दिस इज ए, दिस इज बी, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी। और बच्चों इस जो थम्स अप का निशान बना हुआ है, इसको लाइक कर दो बेटे, है ना, इसको दो लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास में पढ़ना। चलिए जल्दी बताइए, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अच्छा आंसर आप ही, वेरी गुड वेरी गुड कृष्ण, अरे भाई वेरी गुड मोहित, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो हमारे पास क्या आंसर है, परफेक्ट। देखिए अब ये लाइव वायर आ गई बच्चों, यानी अगर इस पॉइंट को सी मान लेते तो ये भी सी, तो ये रेजिस्टेंस खत्म, ये रेजिस्टेंस खत्म, तो बचा क्या,
करंट ऐसे चलेगा बच्चों, ऐसे आएगा और वैसे आएगा, यानी करंट के रास्ते में दो ही रेजिस्टेंस आए ना बच्चों, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 2 × 2 × r। जल्दी बताइए बच्चों क्या कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव वायर और शॉर्ट सर्किट क्या आपको समझ में आ गया? सभी बच्चा भूल जाएंगे बाय राइटिंग यस, बाय फॉर यस एंड फॉर नो। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव वायर एंड शॉर्ट सर्किट समझ में आया? परफेक्ट बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो बच्चों, मान लो दिस इज ए पॉइंट, यहां पे रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं हमारे पास, दिस इज ए दिस इज बी, सभी रेजिस्टेंस आर होंगे। चलिए जल्दी बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस। चलिए बच्चों देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, लेट्स चेक इट आउट, बात कर लेते हैं। तो देखिए अब दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो हमने सबसे पहले ए और बी को रखना है, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में रखना है ना, जरूरी नहीं है ए और बी, वो एक्स वाई भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ए बी मिलाई वाई है बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज ऑल्सो बी। अब यहाँ से देखना ये वाले सर्किट, ये वाले रेजिस्टेंस दोनों बी बी के अपने साथ एक होता था, तो बचा कितना, ए बी के बीच में ये बचा, ए बी के बीच में ये बचा और ए बी के बीच में ये बचा, तो थ्री रेजिस्टेंस आ रही पैरेलल, थ्री रेजिस्टेंस आ रही पैरेलल, सिंपल। जल्दी बताइए बच्चों क्या सभी बच्चों का ये आंसर आया है? क्या सभी बच्चों का ये आंसर आया है? थ्री रेजिस्टेंस आ रही पैरेलल, राइट बाय फॉर यस एंड फॉर नो, राइट बाय फॉर यस एंड फॉर नो, परफेक्ट 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 परफेक्ट, फर्स्ट क्लास। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए बच्चों, फिर वही बी मोड, ये बी ये जीरो, तो ये बी तो ये बी भी, ये बी भी, ये जीरो तो ये बी जीरो, ये बी जीरो, सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या दिखाई दे रहा हमें, सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसका मतलब सेम है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो बताइए क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज या पैरेलल, सीरीज या पैरेलल, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे सीरीज या पैरेलल, एस फोर सीरीज पी फोर पैरेलल। वेरी गुड। चलिए गाइस तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल के नए कॉन्सेप्ट नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।